नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे BSNL की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट खबर को लेकर, जिसमें BSNL के यूनियन के बीच एक चुनाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये 31 अगस्त का ये यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज है, लेटर निकला गया है जिसमें कुछ यूनियनों को रिप्रेजेंटेटिव किया गया है, जनरल सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया है। तो इसमें एक चुनाव होने वाला है जो, और उस चुनाव में खास करके ये पता किया जाएगा कि किस यूनियन के पास सबसे ज़्यादा संख्या है, किस यूनियन के पास एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा है, उसी के संबंधित ये एक चुनाव होने वाला है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस चुनाव में किस यूनियन को कौन सा सिंबल दिया गया है, कौन सा बैलेट पेपर दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो वहीं हम बात करें दोस्तों, ये जो है फाइनलाइजेशन बैलेट पेपर का जो है इलेक्शन सिंबल कंडक्ट जो है 9th मेंबरशिप वेरिफिकेशन जो है सिलेक्ट सीक्रेट बैलेट के तहत होने वाला है, जो 12 आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, जो 12/10/2022 को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह 12/10/2022 को होने वाला है, जिसमें कम से कम 13-14 यूनियन भाग ले रहे हैं। हम आगे बताएंगे कि इसमें कौन कौन से यूनियन भाग ले रहे हैं। तो ये चुनाव जो है कौन कौन से यूनियन इसमें भाग लेंगे और किसका मेजोरिटी जो है रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा है नजगेटिव को लेकर, और एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, इसमें सिर्फ नजगेटिव एम्प्लॉय ही भाग लेंगे, इसमें वोट गिराएंगे, और इसमें नजगेटिव एम्प्लॉय का यूनियन ही इसमें इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6/9/2022 से पहले आपको जो भी समस्या है उसको आप शेयर कीजिए मेरे साथ। यदि आप नहीं शेयर करते हैं कोई भी बातें तो समझा जाएगा कि आपको आपका इसको लेकर कोई समस्या नहीं है, और जो भी इसमें बातें हैं वो स्पष्ट है और आपको इसमें कोई समस्या नहीं होने वाला है। हम बात करेंगे दोस्तों कि जो है यह 6/9/2022 से पहले ही यूनियन को जो है अपना भेजना है कि जो क्या आपको क्या और इसमें एडिट करना है या क्या आपको और इसमें क्या जा सकता है। वहीं पे अब हम बात करेंगे दोस्तों किस यूनियन को कौन सा सिंबल मिला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक नंबर में है ये ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस टेलीकॉम एम्प्लॉयज संगठन, तो इसका इसको भी सिंबल दिया गया है। आप देख सकते हैं इस टाइप का सिंबल है इसको। वहीं पे भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन का जो है ये सिंबल दिया गया है, जो दूसरा नंबर में है। वहीं BSNL एसोसिएशन ऑफ टेलीकॉम मैकेनिक को जो है तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं इस टाइप का एक सिंबल दिया गया है, एम है, गोल है उसमें। वहीं हम बात करेंगे तो BSNL डेमोक्रेटिक एम्प्लॉयज यूनियन की, तो इस प्रकार मुट्ठी बांधे हुए एक सिंबल दिया गया है। तो वही हम बात करेंगे दोस्तों BSNL एम्प्लॉयज अन्ना यूनियन, तो इसको भी आप देख सकते हैं दो हाथों के बीच में कुछ टाइप का है ये सिंबल दिया गया है। और BSNL कांग्रेस को जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है ये एंटीना टाइप का एक सिंबल इनको भी दिया गया है, जो 6th नंबर में आएगा। वहीं हम 7th नंबर की बात करेंगे दोस्तों BSNL एम्प्लॉयज राइट्स यूनियन को, 24 चक्रों वाला एक दिया गया है। और वहीं हम बात करेंगे BSNL एम्प्लॉयज यूनियन, जी हाँ दोस्तों, यह BSNL में फ़िलहाल बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव संख्या को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज यूनियन मनी, इसमें सबसे ज़्यादा BSNL यूनियन के लोग भाग लिए हुए हैं, इसका भी आप देख सकते हैं कैलकुलेटर टाइप का है। वहीं BSNL मजदूर संघ की बात करें तो इसमें पुराने TV टाइप का है सिंबल दिया गया है। वहीं BSNL पट्टी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन को
ये आप गैस सिलेंडर टाइप का कह सकते हैं दोस्तों। और BSNL वर्कर राष्ट्रीय यूनियन को आप देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप का एक सिंबल दिया गया है जिसमें हम अभी राइट चिन्ह मारेंगे दोस्तों। वहीं फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन BSNL एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बात करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं उस टाइप की है, एक सूरज अर्ध सूरज का टाइप का है। वहीं हम दोस्तों आप बात करेंगे नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज BSNL को इस प्रकार की एक दिया गया है, और नेशनल यूनियन ऑफ BSNL वर्कर्स जो 14वें नंबर में है उसको एक दीपक टाइप का दिया गया है। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा तो कम से कम लाइक कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आपसे रिक्वेस्ट है शेयर भी कीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेट बनते रहे और आपको इस तरह इस प्रकार का न्यूज हम लाके देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।